कई लोग वास्तु चक्र को गलत सिद्ध कर रहे हैं, तो एक्चुअल में वास्तु चक्र का प्रयोग कैसे है, वास्तु चक्र को प्रयोग कैसे करते हैं, उसकी सच्चाई क्या है, आज हम उस पर बात करेंगे। मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, तो स्क्रीन के जरिए हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ लोग हैं जो वास्तु चक्रा के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। ये लोग हैं जो अपने अपने व्यू पेश कर रहे हैं। अब आप ही जज करना कि ये कितने सही या कितने गलत हैं। मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करूंगा। इससे पहले हमें डायरेक्शन के बारे में जानना होगा। थोड़ा सा डायरेक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। दोस्तों, दिशाओं के बारे में जानने से पहले हमें अर्थ को समझना होगा। दोस्तों, ये हमारी अर्थ है और देखिए ये प्राइम मेरिडियन है। यहाँ 0 डिग्री को दर्शाया गया है, क्योंकि दोस्तों जब पहले व्यापार होता था समुद्र के जरिए, तो लोगों को टाइम का पता नहीं चल पाता था, डे का पता नहीं चल पाता था। तो इस वजह से 1884 में एक कॉन्फ्रेंस हुई यूएसए के साथ मिलके। उन्होंने डिसाइड किया कि हम अर्थ का 0 डिग्री, जहाँ इसका हाफ है, वो मेंशन करते हैं। तो इन्होंने जो जीएमटी लाइन है, ग्रीन ग्रीनविच मीन टाइम जो है हमारा, जीएमटी कहते हैं, जो हमारा इंडिया का 5:30 GMT है, तो इन्होंने लंदन के ग्रीनविच सिटी है, तो ग्रीनविच टाइम उसी के नाम से पड़ा। तो यहाँ से एक लाइन खींची जिसको 0 डिग्री मान लिया गया। अब देखिए ये 0 डिग्री है यहाँ पे, तो जो फ्रंट का होगा, जो अपना डे लाइन है, जहाँ पे किराबाती है, वहां पे डे स्टार्ट और एंड होता है। डे स्टार्ट और एंड वहीं का पॉइंट है, वो किसी दिन और बात करेंगे, हमारा टॉपिक वो नहीं है। दोस्तों, हमारा टॉपिक बस इतना है कि जब भी हमने कोई दिशा निकालनी हो, तो हमें एक रेफरेंस लेना होगा। जो रेफरेंस लेते हैं तो वो सेंटर पॉइंट बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे तो ग्रीनविच टाइम मैंने आपको बता दिया, ये यूके लंदन से क्रॉस होती हुई 0 डिग्री पे, यहाँ से जो इस तरफ का पार्ट है ये ईस्टर्न पार्ट है और ये वेस्टर्न पार्ट है, तो यहाँ से ये टाइमलाइन शुरू होती है। तो दोस्तों, पृथ्वी को 15-15 डिग्री के डिस्टेंस से बांट दिया गया। जो 15 डिग्री कवर करती है, ये 1 घंटे में कवर करती है, और 1 डिग्री में 111.3 किलोमीटर के आसपास होता है जो ये कवर करती है। तो हमारी इंडिया में 15-15 डिग्री के 2 स्लॉट आते हैं। हमारा मुद्दा वो नहीं है, हम उस पर बात नहीं कर रहे, हमने बात करनी है रेफरेंस के ऊपर। जब भी हम किसी कहीं से डिग्री लेनी हो दोस्तों, कहीं से भी डिग्री के बारे में जानना हो, तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। तो वो जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो सेंटर बन जाता है, तो उसी से दिशाएं डिवाइड हो जाती हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये सभी दिशाएं डिसाइड हो जाती हैं। अब देखिए यहाँ समझने वाली बात क्या है, अगर हम इंडिया में यहाँ हैं, कहीं भी इंडिया में कहीं हैं, तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना होगा। रेफरेंस पॉइंट लेने से जो नॉर्थ है वो ऊपर की तरफ ही रहेगा, जो साउथ है वो नीचे की तरफ रहेगा, और वेस्ट लेफ्ट की तरफ है और ईस्टर्न पार्ट राइट की तरफ है, जबकि सेंटर पॉइंट ये है। ये बात की बातें हैं, बाद में करूंगा, ये बाद में बताऊंगा आपको कि इसकी गहराई और क्या है। ऐसा समझिए कि दो तरह के लोग होते हैं, एक गॉड फेयरिंग होते हैं और एक गॉड लविंग होते हैं। जो गॉड लविंग होते हैं और जो गॉड फेयरिंग होते हैं, दोनों दिखने में एक जैसे होते हैं, कार्य भी एक जैसे कर रहे होते हैं, पर दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। आप देखिए, कहने से ही पता चल जाता है ना कि गॉड फेयरिंग पर्सन दान पुण्य वो भी कर रहे होते हैं, और जो गॉड लविंग है वो भी दान पुण्य कर रहे होते हैं, अपना गॉड के साथ प्यार से रहते हैं, गॉड को प्यार करते हैं, पर दूसरे गॉड फेयरिंग और रब से डर के कर रहे होते हैं कार्य, पर दिखने में दोनों एक जैसे लगते हैं। इसी तरह जो रेफरेंस पॉइंट यहां से लिया हमने, तो यहां से दिशाएं डिसाइड होगी। हमने इसको नहीं लेना अभी, ये कब लेना है, ये बाद की बातें, ये गहराई की बातें हैं, ये बाद में बताऊंगा आपको। अब देखिए यहां से इंडिया, ये नॉर्थ हो गया, नीचे की तरफ साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। अब देखिए जब हम यहां से रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, किसी चीज को रेफरेंस मानते हैं, तो दिशाएं निर्धारित हो जाती हैं। अब देखिए इंडिया के जो ऑस्ट्रेलिया है, आपको यहाँ, अब देखिए इंडिया के जो ऑस्ट्रेलिया है वो साउथ ईस्ट में है, क्योंकि अगर रेफरेंस पॉइंट लेंगे तो ऊपर की तरफ नॉर्थ रहेगा, और नॉर्थ ईस्ट इस तरफ चला जाएगा, ईस्ट इस तरफ चला जाएगा, ईएस इस तरफ चला जाएगा, और ये साउथ ईस्ट का पार्ट आ जाएगा। जब हम ऑस्ट्रेलिया में जाके डिग्री लेंगे, तो नो क्या कहता है कि रेफरेंस पॉइंट से अब नॉर्थ ऊपर की तरफ हो गया, इधर वेस्ट हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर साउथ हो गया। तो जब बिंदु का रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं हम, तो वो दिशाएं वहां से डिसाइड होती हैं। अब दिशाओं के ऊपर बात करते हैं। अब देखिए हमने एक रेफरेंस पॉइंट लिया, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। जब हम ये 90 डिग्री का कोण बनता है,
दोस्तों जब ये 90 डिग्री का कोण बनता है, कोई भी दिशा, मेजर दिशा, ये मेजर दिशाएं हैं चार जो सारी दुनिया जानती है, एक दिशा से दूसरी दिशा, नॉर्थ से ईस्ट 90 डिग्री दूर रहेगा, ईस्ट से साउथ 90 डिग्री दूर रहेगा, साउथ से वेस्ट 90 डिग्री दूर रहेगा। तो क्या बना, ये 90 डिग्री का कोण बना। अब देखिए जब हम इसका नॉर्थ ईस्ट डिसाइड करेंगे तो 90 डिग्री के कोने से जो ये रेफरेंस पॉइंट बना, इसका हाफ, दोनों का हाफ ही बनेगा ना 45 डिग्री, तो दोनों का जब हाफ बनेगा, ये हाफ बन रहा है यहाँ पे, तो ये दिशाएं फिक्स रहेंगी। दोस्तों याद रखना, जो दिशाएं हैं, अगर रेफरेंस पॉइंट ले लिया तो दिशाएं फिक्स हैं, अगर रेफरेंस पॉइंट नहीं लिया तो दिशाएं फिक्स नहीं हैं। इन दोनों में फिर अंतर आ गया, जो मैंने गॉड लविंग और गॉड फेयरिंग वाला बताया था ना, अब इस बात को भी समझ लेना, अगर रेफरेंस पॉइंट फिक्स कर दिया हमने तो दिशाएं फिक्स हो जाएंगी, अगर रेफरेंस पॉइंट फिक्स नहीं किया तो दिशाएं फिक्स नहीं होंगी। अभी इसका अंतर बता देता हूं मैं आपको। अब देखिए दोनों का हाफ, ये हाफ जो कोण बनाया हमने, मैं इसको आपको ना यहां रख के बताता हूं सेंटर में। अब देखो जब मैंने 90 डिग्री के कोने को हाफ किया तो ये हाफ की लाइन बनी ना, तो यहां पे नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा। अब जब नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच का लेंगे पॉइंट तो इसका हाफ कहलाएगा। अब इसको भी कर देते हैं हम। अब देखो मैंने इसको 22.5 डिग्री टिल्ट कर दिया तो रेफरेंस कहाँ आया, बात समझने की है। अगर हम इसमें लाइन क्रॉस करते चले जाएंगे, देखो ये नॉर्थ ईस्ट बन गया, क्योंकि ये 22.5, कोई भी सब दिशा अपनी मेजर दिशा से 45 डिग्री दूर होती है और सब दिशा से उसकी सब दिशा 22 डिग्री दूर होती है, ये क्या बन गया, NNE। आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे, अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। तो इसका हाफ बना तो हाफ वो फिक्स रहेगा, जब सेंटर पॉइंट हमने रेफरेंस पॉइंट सेंटर पॉइंट फिक्स कर दिया तो ये दिशाएं फिक्स रहेंगी, अगर हमने सेंटर पॉइंट फिक्स नहीं किया तो दिशाएं फिक्स नहीं रहेंगी। वो क्यों नहीं रहेंगी अब बताता हूं मैं। देखो हमारा जो प्लस है, अब इसका हम, हमारा जो ये प्लस है, अगर हमारा गेट यहाँ है, सपोज कर लो किसी का प्लॉट नॉर्थ फेसिंग है और उसका ये गेट है इस तरफ लेफ्ट साइड, जब कोई भी बंदा यहाँ खड़ा होके डिग्री लेगा, यहाँ खड़ा होके डिग्री लेगा क्योंकि उसने अभी रेफरेंस सेलेक्ट नहीं किया, यहाँ डिग्री लेगा तो ये सीधा यहाँ नॉर्थ बताएगा क्योंकि रेफरेंस तो ये है ना, सेंटर पॉइंट तो ये है। अगर यहाँ खड़ा हो गया कोई पर्सन तो ये नॉर्थ कह रहा है, यहीं खड़े होके इसको ईस्ट कह देगा, इस तरफ को वेस्ट कह देगा, नीचे को साउथ कह देगा, जबकि ईस्ट यहाँ है, क्योंकि हमने जब इस प्लॉट का हम कर रहे हैं ना, इस प्लॉट का हमने जब सेंटर मार्क कर दिया तो दिशाएं फिक्स वहीं रहेंगी, कहीं नहीं जाएंगी, तो सेंटर पॉइंट के रेफरेंस से ही सभी दिशाएं निर्धारित होंगी जो फिक्स रहेंगी। अगर हम किसी पॉइंट पे जाके एंटर्स की डिग्री लेते हैं तो वहां पे ये नॉर्थ यहां आ गया, जबकि नॉर्थ यहां है प्लॉट का, तो वो कहता है कि जो आपका मेन गेट है ये नॉर्थ में है। जब जब वही वास्तुशास्त्री घूम के इस तरफ जाता है, नॉर्थ ईस्ट में चला गया, तो भी वो यहाँ खड़ा होके, जिसको जो अनजाना होता है, जिसने वास्तु को अच्छे से पढ़ा नहीं होता, जिसकी स्टार्टिंग होती है, तो वो क्या कह रहा होता है कि आपका नॉर्थ फेसिंग ये जो गेट है ये नॉर्थ फेसिंग है, ये नॉर्थ में है। तो दोस्तों क्योंकि रेफरेंस फिक्स कर दिया जब हमने तो दिशाएं फिक्स हो गई, अब आप कहीं भी खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ तो हम कहेंगे कि आपका मेन गेट नॉर्थ वेस्ट में है। देखो यहाँ पे देखो ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहा है, कितनी डिग्री टिल्ट है, तो वो जीरो से पूरा हम 360 डिग्री का चक्कर बनाएंगे तो एग्जैक्ट पता चल जाएगा कहाँ पे है। तो यही गलती कर देते हैं, तो जो मैंने जो कहा कि अगर हमने रेफरेंस पॉइंट फिक्स कर लिया तो दिशाएं फिक्स हो गई, फिर दिशाएं निकल जाएंगी। अब दोस्तों आशा करता हूँ ये भी समझ गए होंगे, आगे बात करते हैं। अब देखिए ये जो पर्सन है ये डॉक्टर अनंत भारद्वाज है और ये वास्तु चक्रा को गलत कह रहा है क्योंकि ये दिशाओं के पीछे हाथ धोके पड़ा है, अभी जो मैंने दिशाएं बता दी। तो दोस्तों इसका मान, इस बंदे का मानना है, पता नहीं डॉक्टर इसके साथ किसने लगा दिया। दोस्तों यहाँ ना आपको एक बात बताना चाहूंगा, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ना ही किसी की फेवर में हूँ, निरपक्ष होके आपको बताऊंगा। आप सोचते होंगे कि मैंने गुरु खुशदीप बंसल जी से कोर्स किया है तो मैं उनकी फेवर करूंगा, जहां अच्छाई है वहां फेवर है मेरी तरफ से, जहां कोई गलती है तो मैं खिलाफ हूं, मैं पर्सन के खिलाफ नहीं हूं। तो इसका मानना है कि जब हमने दिशाएं निर्धारित कर दी, इसका मानना है कि दिशाएं निर्धारित नहीं होती,
वो कहता है कि जैसे जैसे प्लॉट बड़ा होगा तो दिशाएं भी बदलती चली जाएंगी। वो कहता है कि जो प्लस है ये तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट रहेंगे रहेंगे, इसको तो मानता है वो, पर वो कहता है कि जो कोना बनेगा वो नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा। अब देखिए वास्तु चक्र की जब हमने पॉइंट लेके रेफरेंस फिक्स कर दिया, अब ये अगर प्लॉट चौड़ा होता चला जाएगा, देखिए दोस्तों अगर ये प्लॉट चौड़ा हो रहा है, चौड़ाई में विड्थ में जा रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट अपने आप कोने में आ रहा है। मिस्टर आनंद भारद्वाज कहता है कि अगर ये प्लॉट नैरो होता चला जाएगा तो एनी यहां नहीं रहेगा, तो एनी इस कोने में चला जाएगा। तो क्या कह रहा है वो कि एनी उठ के यहां चला जाएगा और नॉर्थ वेस्ट उठ के यहां चला जाएगा। अब देखिए दोस्तों कितनी बड़ी गलती है ये, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं कि जब रेफरेंस फिक्स कर लेते हैं तो दिशाएं फिक्स हो जाती हैं, जब रेफरेंस फिक्स नहीं करते तो दिशाएं फिक्स नहीं होती। अब ये दिशाएं फिक्स हैं, वो कहता है कि एनी और नॉर्थ के बीच का फासला देखिए कितना है, क्योंकि प्लॉट छोटा हो गया और लंबा हो गया। अब एनी के और ईस्ट के बीच फासला देखिए, क्या ये 45 डिग्री का फासला रहा, क्या ये 45 डिग्री का फासला रहा, क्योंकि हाफ तो 45 डिग्री पे ही होगा ना। तो ये बंदा यहाँ पे गलत है और गलत अनाप शनाप लोगों को पढ़ा रहा है, और लोग भी जिनको पता ही नहीं वो भी इसके बहकावे में आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं ना सच्चाई, उनको पता ही नहीं। और दोस्तों जब ये नौ सीखिए इस फील्ड में आ जाते हैं तो इस विद्या का नुकसान करते हैं, इस विद्या को तोड़ते मरोड़ते हैं, अपने तरीके से पेश करते हैं। जो सच्चाई है वो कभी छुप नहीं सकती, ना ही सच्चाई छुपेगी। जो दिशाएं हैं वो फिक्स रहती हैं जब हमने रेफरेंस फिक्स कर दिया, तो ये बदलेंगे ही नहीं। प्लॉट आपका छोटा हो बड़ा हो, जितना मर्जी चौड़ाई में चला जाए, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे चौड़ाई पे इतना कर देते हैं तो नॉर्थ ईस्ट यही रहेगा, कोने में नहीं जाएगा। तो नॉर्थ, क्योंकि प्लॉट की विड्थ देखिए ना, हद से ज्यादा चौड़ी होती चली जाएंगी तो क्या दिशाएं भी बदलती चली जाएंगी? क्या जहां नॉर्थ फिक्स कर रखा है गूगल ने तो वो बदल के कहीं और चला जाएगा? वो कहते हैं रेफरेंस पॉइंट से नॉर्थ ऊपर की तरफ रहेगा, जो भी आपने रेफरेंस पॉइंट फिक्स कर दिया एक प्लॉट का तो वहां से नॉर्थ ऊपर की तरफ रहेगा। दोस्तों आशा करता हूं ये भी समझ गए होंगे आप। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस पर्सन की, ये भी डॉक्टर कुणाल कौशिक है, तो ये भी वास्तु चक्र के पीछे हाथ धो के पड़ा है, इसकी दिशाओं के पीछे हाथ धो के पड़ा है। मुझे नहीं पता इन लोगों को क्या मिलता है, और सच्चाई से ये कोसों दूर है, शायद अब इनका दिमाग नहीं चलता या ये सोचना नहीं चाहते कि एक्चुअल में जो गुरुजी हैं खुशदीप बंसल जी हैं, तो इन्होंने दिशाओं का रेफरेंस किस हिसाब से दिया, वे वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे। और ये वो कहते हैं ना कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो इन दोनों इन लोगों की सोच, और नीचे मिस्टर अश्विनी कुमार बंसल है, इनकी भी बात करता हूं अभी मैं, तो इन लोगों की सोच क्या है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, इनका नाम तो कोई है नहीं, किसी बड़े बंदे को बदनाम कर रहे हैं, डॉक्टर खुशदीप बंसल जी को, गुरुजी को बदनाम कर रहे हैं, तो उनका ये सोचना ही चाहते हैं कि इन्होंने रेफरेंस क्या दिया। मेरे हिसाब से डॉक्टर खुशदीप बंसल जी वास्तु के पितामह हैं, जिन्होंने एक नई परिभाषा दी, नया आयाम दिया, लोगों को घर घर तक वास्तु पहुँचाया, लोगों की तकलीफों को दूर करने का एक जरिया बताया कि आप इस नजरिए से देखेंगे तो आपकी प्रॉब्लमें दूर हो जाएंगी। खुशदीप बंसल जी ने बहुत कुछ दिया, फाइव एलिमेंट की डिटेल दी, वास्तु ग्रंथों में कहीं भी फाइव एलिमेंट की डिटेल नहीं थी। जो मेरे गुरु हैं डॉक्टर खुशदीप बंसल जी, इनसे भी कुछ जो गलत हुआ मैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। अब देखिए हम डॉक्टर कुणाल की बात करते हैं, इसका इसका एक बोलने का नजरिया देखना, आप इसका एक ना स्ट्रक्चर देखो, क्या आपको इसका वास्तु ठीक लगता है, क्या इतनी गहराई में ये सोचने की क्षमता रखता है? क्योंकि जब लोगों को जो बदनाम करते हैं ना, जैसे एक समझ लो कि एक बहुत ही गरीब फैमिली से, बहुत ही पिछड़े हुए एरिए से कोई अगर जर्नलिज्म कर लेता है, जब वो जर्नलिज्म करके बाहर निकलता है फील्ड में आता है तो उसको कोई नहीं पहचान रहा होता, तो वो क्या सोचता है कि यार फेमस कैसे हुआ जाए, तो वो किसी बड़े बंदे को पकड़ता है, वो बंदा किसी बड़े बंदे के पीछे लग जाता है। जैसे स्टार हैं, स्टार के पीछे कोई भी न्यूज़ उसको मिलनी चाहिए। दोस्तों जो भी इंसान है वो गलतियों का पुतला है और पुतले से गलती हो जाती है, तो जाने अनजाने अगर उनसे कोई गलती नहीं भी हुई और बाजार में हवा मिल गई किसी स्टार की, कोई ऐसी न्यूज़ आ गई, तो जो पिछड़े हुए एरिए से आया है और पिछड़ा हुआ बंदा है, बहुत ही लो लेवल का बंदा है, तो वो फिर हाई लेवल के बंदे को पकड़ता है फेमस होने के लिए कि इसके ऊपर लांछन लगाऊंगा। तो इनका ये फंडा है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, बल्कि एक्चुअल में इनका फंडा क्या है, किसी को बदनाम करेंगे तो क्या नाम ना होगा, इस फंडे पे चलते हैं ये, किसी को बदनाम करते हैं अपना नाम कमाने के लिए, जबकि ये कितने सही कितने गलत आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं हम इनकी, ये है मिस्टर अश्विनी कुमार बंसल जी,
देखिए दोस्तों, मैंने इन सभी के वीडियो देखे हैं, इनका वीडियो भी देखा है। देखिए अश्विनी कुमार जो बंसल हैं, नो डाउट इनकी तार्किक शक्ति अच्छी है। दोस्तों इनकी तार्किक शक्ति अच्छी तो है, पर पता नहीं इतने सुलझे हुए पर्सन होने के बावजूद ये किन चक्रों में फंस गए। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, महावास्तु का काला सच। दोस्तों देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, महावास्तु का काला सच। अब देखिए अश्विनी कुमार बंसल जी अपनी ही लय में है, महावास्तु को गलत सिद्ध करने में लगे हुए हैं। जो उन्होंने पढ़ाया, जो उन्होंने योगदान दिया, उसमें से कुछ पॉइंट उठा के उसको गलत सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले तो क्या है, इनका कहना है कि आकाश से वायु बनी। जो अश्विनी कुमार बंसल जी हैं, इनका कहना है कि आकाश से वायु बनी और वायु से अग्नि उत्पन्न हुई। और खुशदीप बंसल जी भी वायु से अग्नि कह रहे हैं, ये भी यहां पे वायु से अग्नि ही कह रहा है। अब देखिए अग्नि से क्या कह रहा है, ये जल कह रहा है, अग्नि से जल कह रहा है, और जल से ये पृथ्वी कह रहा है। अब देखिए ये जल से पृथ्वी कह रहा है, अब पृथ्वी के आगे क्या, क्योंकि साइकिल अगर कहीं से शुरू होगा तो उसी पे जाके खत्म होना चाहिए ना, तो कंप्लीट साइकिल बनता है ना वो। अब इसने यहां पे आके रुक गया, अब इसने जल से पृथ्वी कहा, अब पृथ्वी से ऑब्वियसली आकाश बनेगा, तभी वहां आकाश तक पहुंचेगा ना। जब आकाश से शुरू कर रहा है, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, और पृथ्वी से आकाश होना चाहिए। अब दोस्तों जल से पृथ्वी, पृथ्वी से आकाश, देखो आकाश एक जो ब्रह्मांड है जो हमारे पृथ्वी के ऊपर है, ऊपर का आकाश, उसको आकाश कहते हैं। पर आकाश के अपने कारक तत्व भी होते हैं जो पृथ्वी में फिर जन्म लेते हैं, क्योंकि आकाश का ही एक रूप पृथ्वी में आएगा तभी पृथ्वी का कार्य प्रणाली चल पाएगी। तो इसको ये बात समझ नहीं आई, ये कहता है कि पृथ्वी से आकाश कैसे बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर खुशदीप बंसल जी कहते हैं कि पृथ्वी से आकाश, तो ये यहाँ साइकिल रोक देता है, ये आगे नहीं लेके जाता, क्योंकि ये इसके खिलाफ है कि पृथ्वी, पृथ्वी से आकाश कैसे बन सकता है। अब देखिए ये जरूरी नहीं कि हर बंदा दिमाग में बहुत तेज हो, सर्वोपरि हो, वो मंदबुद्धि भी हो सकता है। जहां मैंने बताया था आपको कि गॉड फेयरिंग और गॉड लविंग, इसी तरह दो पर्सन होते हैं, एक तो मंदबुद्धि होता है, पढ़ा लिखा मंदबुद्धि होता है। कैसे, एक तो मूर्खता होती है और एक मूर्ख होता है, एक मूर्ख और एक मूर्खता। मूर्ख तो मूर्ख रहेगा, पर एक सियाना बंदा भी मूर्खता कर सकता है ना, मूर्ख तो मूर्खता करेगा ही करेगा, पर सियाना बंदा भी मूर्खता कर सकता है। तो ये वो पर्सन है जो सियाने होके मूर्खता कर रहे हैं। अब ये पृथ्वी से आकाश उत्पन्न हुआ, इसको मानने को तैयार नहीं। अब देखिए मैं बात बताता हूं आपको, राजस्थान में वहां पे जो हमारी एयर है, दरख्त है, वहां पे पौधे कम है। अब पौधे कम है जहां पे, तो जहां पेड़ कम होंगे तो वहां ये श्योर हो जाता है कि पानी हर जगह नहीं निकलेगा, क्योंकि वहां पे एयर नहीं है ना। एयर काम क्या करती है, जब पृथ्वी कंसीव करती है, पृथ्वी में बीज बोया जाता है, दरख्त निकलता है, जब दरख्त की जड़ें नीचे जाती हैं तो एक वो क्रिया शुरू कर देती है पृथ्वी के अंदर मेटल बनने की, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो हमारे पीरियोडिकल टेबल है, जितने भी मेटल हैं वो पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं। तो वो कैसे बन गए, और ये जरूरी थोड़ी है जहां पे राजस्थान है तो उसमें सभी मेटल होंगे। तो दोस्तों वहां पानी बनाने वाला जो मेटल है वो बहुत कम है। अब देखिए वेस्ट की दिशा में शनि है, शनि को पत्थर भी कहा जाता है, क्योंकि वो कठोरता लिए होते हैं, तो वो कठोर निर्णय करते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये पत्थर दिल है या कठोर है। एक जज भी जो अपनी कुर्सी पे बैठा होता है, तो उसका रिश्तेदार भी सामने आ जाए तो उसे निष्पक्षों के फैसला करना होगा, अगर निष्पक्षों के फैसला नहीं करेगा तो फिर वो सही मायने में जज नहीं है। इसी तरह आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूं, तो मैं निष्पक्ष होके, अब आप लोग देखेंगे, आप लोग जानेंगे, आप लोग समझेंगे कि क्या सही क्या गलत। अब देखिए गुरु जी ने क्या कहा, गुरु जी ने कहा जल से वायु बनी, वायु से अग्नि बनती है, अग्नि से पृथ्वी बनती है, पृथ्वी से आकाश बनता है, आकाश से फिर जल बरसता है, जल बन गया। और मैं भी यही मानता हूं, पर मैं इसके साथ एक चीज और मानता हूं, मैं कहता हूं कि जब पहले आकाश ही आकाश था, पृथ्वी का नामो निशान नहीं था, तो आकाश में एक पृथ्वी का गोला सूर्य के गोले से अलग हुआ, या एक अलग गोला, तो आकाश में पृथ्वी बनी, तो पृथ्वी का एक निर्माण हुआ ना, एक एक ग्रह को अलग किया गया, ये ग्रह अलग अलग है, तो एक निर्माण हुआ आकाश में पृथ्वी, तो पृथ्वी में अग्नि, तो अग्नि का गोला था क्योंकि आग थी उसके अंदर, तो पृथ्वी से अग्नि, पृथ्वी द्वारा अग्नि, पृथ्वी में अग्नि, तो अग्नि में ही वायु समाई हुई थी, क्योंकि गैसेस जितनी भी हैं, जितनी प्रकार की गैसेस हैं, ये सब वायु में आती हैं। तो नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, जितनी भी दोस्तों जितनी भी गैसेस हैं ये वायु में आती हैं, तो अग्नि में वो वायु थी, पर अपनी रॉ मटेरियल में थी। जैसे हम हमारा फैक्ट्रियों में मॉल फैक्ट्रियों में सामान बनता है तो वो रॉ मटेरियल में होता है, तो उसके बाद अपनी होंद में आ जाता है, तो ये रॉ वाला काम चल रहा था अभी। तो वायु अग्नि में वायु, वायु में जल, क्योंकि वायु ने जब गैसेस को ऊपर उठाना शुरू किया, बादल बने, क्योंकि नाइट्रोजन जब ऊपर उठनी शुरू हुई, गैसेज ऊपर उठनी शुरू हुई, तो उसने बादलों का निर्माण किया, तो बाष्प बन के जो ऊपर गया तो वो जल बना, जल बरसा। जब
पृथ्वी पे जब ब्लास्ट हो रहे थे, जो अग्नि थी तो इसमें कई गैसेस थी, तो जिससे ब्लास्ट हो रहे थे तो खड्डे पड़ रहे थे पृथ्वी में, तो जब जल बरसना शुरू हुआ तो वो खड्डों में भरना शुरू हो गया, तो जल अपनी एक्चुअल फॉर्म में आया। दोस्तों बात को समझना होगा, पृथ्वी लाखों करोड़ों सालों से है, तो करोड़ों सालों से जीवन आने में बहुत करोड़ों साल लग गए, उसके पहले क्या घटित हुआ क्या नहीं घटित हुआ, पर रब ने दिमाग दिया है, सोच तो सकते हैं ना, पहले आकाश ही था ना, ब्रह्मांड ही था ना, ब्रह्मांड में ही कोई गोला बना, वो जो दहक रहा था और उसमें गैसेज थी, वायु थी, और उसके बाद वो गैसेज ऊपर उठी, बादल बने, तो जल बरसा। जब जल अपनी फॉर्म में आ गया तो फिर ऑक्सीजन आई, क्योंकि जल के जरिए ही अब वनस्पति उत्पन्न होगी, तो वनस्पति से ही हमें जीवों को उत्पन्न करने के लिए योगदान दिया, वायु बनी, तो जो जिससे सांस लेके वो जीवित रह सकें, फिर ये साइकिल चल पड़ा, जल से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से पृथ्वी, पृथ्वी से आकाश, आकाश से जल। तो यहाँ भी जो अश्विनी कुमार बंसल है वो भी वायु से अग्नि कह रहा है, तो गुरु जी भी वायु से अग्नि कह रहे हैं। अब पृथ्वी से ये आकाश नहीं कह रहा, पर गुरु जी कह रहे हैं पृथ्वी से आकाश, क्योंकि बनेगा, क्योंकि मेटल, मेटल की उत्पत्ति हो जाएगी नीचे, तो ये साइकिल है, साइकिल चल पड़ता है। अब देखिए महावास्तु का काला सच ये कह रहा है अश्विनी कुमार बंसल, पता नहीं इसकी क्या लड़ाई है गुरु जी से, पर्सनल दुश्मनी है, या गुरु जी ने इसका जवाब नहीं दिया होगा, या कोई और बात हो सकती है, अंदर की बात हो सकती है, जिससे ये हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है। अब देखिए ये भी अश्विनी कुमार बंसल है और गुरु जी भी खुशदीप बंसल है। अब देखिए दोनों बंसल हैं, दोनों बंसलों की लड़ाई हो चल रही है, ये लड़ रहा है, गुरु जी नहीं लड़ रहे इसे। अब देखिए वो कहते हैं ना, कहावत है, सप नु सप लड़े ता जहर किनु चढ़े, ये भी बंसल, ये भी बंसल है। अब ये जहर उगल रहा है तो इनको, ये अध्यात्म में है, अब उसका जहर इनको चढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि ये भी बंसल है। अब देखिए यहाँ अश्विनी कुमार बंसल और क्या कह रहा है। दोस्तों अश्विनी कुमार बंसल कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में वास्तु का मुख है और निकलने का स्थान साउथ वेस्ट में है, तो आप साउथ वेस्ट में टॉयलेट बना सकते हैं, SSW में टॉयलेट बना सकते हैं, WSW में टॉयलेट बना सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में भी टॉयलेट ये रिकमेंड करता है। अब दोस्तों देखिए SW में टॉयलेट, इसकी इसकी थ्योरी देखिए, वास्तु पुरुष का मुख है वहां पे, और ये कह रहा है कि निकलने का स्थान SW में बनाया जा सकता है और WSW में भी बनाया जा सकता है, लेफ्ट या राइट, इसके वीडियो देखेंगे ना, मैंने यहाँ दे दिया, इसको सर्च करके आप इसके वीडियो भी देख सकते हैं, तो आप इसका वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ गहरी बात बताता हूँ, जो हमारा वास्तु पुरुष का मुख है वो नॉर्थ ईस्ट में है, नो डाउट नॉर्थ ईस्ट में है, पर जो हमारा NNE है वो हमारा खाने का दांत है, हमारे वहां पे वो खाने का अंदर फूड पाइप, मतलब जाने का जरिया, फूड पाइप तो हमारी नॉर्थ वेस्ट है कहते हैं इसको, पर हमारा जो हमारा कोई अंदर निगलने का स्थान है वो NNE है, नॉर्थ ईस्ट में, वो ध्यान अवस्था में है, जो खाने की अवस्था है। दोस्तों यहाँ एक राज की बात और बताता हूँ, जब ये दिग्गज लोग लड़ते हैं ना और मैं इनको डिकोड कर रहा हूँ, तो आम जनता का बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि कई चीजें ना निकल के सामने आती हैं, अच्छी चीजें, गहरी चीजें। अब यहाँ डी कोड में आपको करके बताता हूँ कि वास्तु पुरुष हर महीने उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है, वो सदा नॉर्थ ईस्ट में नहीं रहता। अब देखिए जो अपना हमारा खाने का वास्तु पुरुष का दांत है तो उसके NNE में है, तो जो NE है वो उसकी ध्यान की अवस्था है, जो खाने की पोजीशन है वो उसकी, वो NNE से बनाएंगे हम, और निकलने का स्थान कहाँ बनाएंगे हम, SSW, क्योंकि उसके 180 डिग्री पे ही होगा ना, क्योंकि मुंह का और निकलने का स्थान बिल्कुल 180 डिग्री पे है, ना लेफ्ट ना राइट, कोई पोजीशन बदली नहीं हुई, तो NN ही हमारा उसका खाने वाला मुख है, ध्यान करने वाला मुख NE में है, यहाँ समझना है, इस पॉइंट को समझना है आपने। तो जो निकलने का स्थान है वो SSW में है, ये सही एक पोजीशन है उसकी, इसके ऊपर मंथन करेंगे पता चल जाएगा, अगर आप मंथन नहीं करेंगे तो नहीं पता चलेगा, तो इन जो फ्रॉड लोग, ये फ्रॉडी हैं, इनके झांसे में रहेंगे, इनको ही समझते रहेंगे और इनको ही सुनते रहेंगे। दोस्तों जो अश्विनी कुमार बंसल है ये वैदिक वास्तु की ना दुहाई देता रहता है, हमारे वैदिक में ये, हमारे वैदिक में वो, हमारे वैदिक में वो ठीक है, एक लिमिट तक ठीक है, क्योंकि जहां तक ऋषि मुनि का जीवन था, जो देख पाए उन्होंने उतना बयान किया, पर जीवन तो आगे चलता है, पृथ्वी तो आगे मूव कर रही है, पृथ्वी में इन्वेंशन होती रहती है, जो आजकल मोबाइल बन रहे हैं, आईफोन बन गया, तो ये भी ऋषि मुनि ही हैं जिन्होंने बनाए हैं, वो ऋषि मुनि अपने समय के थे, ये आज के ऋषि मुनि हैं जिन्होंने कार्य बना दिए, एरोप्लेन बना दिए। तो दोस्तों देखिए अश्विनी कुमार बंसल जो वैदिक वास्तु की दुहाई देता रहता है ना, अब मैं इससे एक बात कहता हूं, मैंने चारों वेद पढ़े, अठना पुराण पढ़े, भरत संहिता पढ़ी, विश्वकर्मा प्रकाश पढ़ा, मयमतम पढ़ा, अठना पुराण सब कुछ पढ़ डाले, पर मुझे कहीं भी लिफ्ट का जिक्र नहीं मिला। तो कोई अश्विनी कुमार बंसल से पूछे कि जो तुम्हारे ऋषि मुनि थे वो दूरदृष्टा नहीं थे, वो दूरदृष्टि नहीं रखते थे, लिख देते थे लिफ्ट का जिक्र, लिफ्ट का जिक्र क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो दूरदृष्टि इतना दूर तक सोच ही नहीं पाए कि आज जो घर एक एक मील दूर बने हुए हैं वो घर एक के ऊपर एक बनना शुरू हो जाएगा, मंजिलें बनती चली जाएंगी और उस तक जाने के लिए लिफ्ट बनेगी, तो ऋषि मुनि क्यों नहीं देख पाए। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, वो एक लिमिट तक ठीक है, पर सृष्टि आगे बढ़ चुकी है,
सृष्टि पे निर्माण होता चला जाता है, चीजें बदलती चली जाती हैं, उसके अनुरूप आज के युग के लोग सोच पाएंगे क्योंकि ये आज के युग में जन्मे हैं। तो ये जो दुहाई देता रहता है कि मेरा मेरा वैदिक वास्तु वैदिक वास्तु वैदिक वास्तु, तो इससे पूछो जरा, ये मुझे जवाब दे कि लिफ्ट का जिक्र क्यों नहीं है। पढ़ ले ग्रंथ, मेरे सामने रखे, लेके आए वो ग्रंथ जिसमें लिखा हो लिफ्ट का जिक्र। और उसके बाद जो फाइव एलिमेंट की डिटेल है जो गुरुजी ने दी, तो किसी भी ग्रंथ में फाइव एलिमेंट की डिटेल नहीं है। अब ये कह देगा कि हमारे जो आयुर्वेदा है उसमें है, वो भी पूरी नहीं है, वो कोडिंग डी कोड नहीं किया हुआ उसको। तो अब ये बताए कि क्या उसमें आयुर्वेदा में है पूरी डिटेल, जो डे डिटेल है वो भी अधूरी है क्योंकि वो भी डी कोड नहीं कर पाए ऋषि मुनि। अब इससे पूछे, ये आयुर्वेदा की दुहाई देता रहता है, आयुर्वेदा आयुर्वेदा की मैंने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, पर कंपाइल करना इसको 1% में नहीं आ रहा। ये सोचता होगा कि ये कहता है कि आयुर्वेदा सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों इस बात को समझना है आपने, ना आयुर्वेदा सर्वश्रेष्ठ है, वो एक लिमिट तक ठीक है, उसमें बहुत कमियां हैं, ना ही हमारा जो विज्ञान है ये सर्वश्रेष्ठ है, ना ही हमारे वास्तु के ग्रंथ, ना ही हमारे ज्योतिष के ग्रंथ, ना ही हमारे न्यूमरोलॉजी के ग्रंथ, ना ही जो विश्वकर्मा प्रकाश मायम तम या भरत संहिता, ये सर्वोपरि नहीं है, ये पूरे कंप्लीट नहीं है, ये उस जमाने तक कंप्लीट थे, आज के जमाने में ये इनकम्प्लीट हैं। तो अगर ये कहता रहता कि हमारा आयुर्वेदा कंप्लीट है तो मैं नहीं मानता, क्योंकि आयुर्वेदा किसी भी मनुष्य का ऑपरेशन नहीं कर सकता। या अगर ये कहता है कि हमारी साइंस कंप्लीट है तो मैं नहीं मानता। मुझे आप लोग सोच के बताइए, और साइंस भी मुझे इसका जवाब दे, क्या साइंस आज तक खून बना सकी, ब्लड बना सकी? जो ब्लड बैंक में जरूरत होती है, लोग मरते रहते हैं ब्लड के पीछे, ब्लड नहीं मिलता उनको, क्या साइंस आज तक ब्लड बना सकी? तो वो तो बड़ी दूर की बात है। मुझे ये बताओ कि क्या साइंस जो बॉडी के अंदर पार्ट काम करते हैं क्या वो बना पाई? हाँ ठीक है, बीमारी ठीक कर देती है, मेडिसिन बनाई उसने, पर वो कंप्लीट नहीं है। आज तक कोई भी जो विज्ञान है, ना ही वो खून ब्लड बना पाया है, ना ही कोई अंग बना पाया है, वो शरीर का कोई अंग नहीं बना पाया। दोस्तों आने वाले समय में हो सकता है, बट बहुत धीरे धीरे होगा, पर आज के युग में नहीं है। जो ये दुहाई देते हैं ना विज्ञान की, आयुर्वेदा की, अपने वास्तु के ग्रंथों की, तो इनकम्प्लीट है उस नजरिए से देखो। दोस्तों मैं आपका ना नजरिया जगाना चाहता हूं कि आप किसी विद्या को जो पुरातन है उस विद्या को आप सर्वोपरि मान लो, वही वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे आप, फिर लकीर के फकीर रह जाओगे, फिर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। दोस्तों मैं किसी ऋषि मुनि के खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि जो विद्याएं उस समय लिखी जा चुकी थी, जो लिखी जा चुकी हैं, वो उस जमाने तक तो ठीक थी, पर आजकल के समय में वो पूरी फिट नहीं बैठती। जैसे मैंने आपको लिफ्ट का बताया कि लिफ्ट का जिक्र कहीं नहीं है, तो आप भी खोज लेना, कोई भी सभी ग्रंथ पढ़ो, देखो कहीं लिफ्ट का जिक्र है। तो देखिए दोस्तों आगे बात करते हैं कि अब ये अश्विनी कुमार बंसल और क्या कहता है, ये महावास्तु को कहता है कि, आगे बात करने से पहले एक चीज और बता देता हूं कि जो हमारा वास्तु है वो कहता है कि जो गुरुजी ने कहा कि ईएससी में टॉयलेट बना सकते हैं, एसएसडब्ल्यू में टॉयलेट बना सकते हैं, और WNW में टॉयलेट बना सकते हैं। यहाँ टॉयलेट रखी जा सकती है, उसकी पर कंडीशन क्या होगी, वो कंडीशन के ऊपर ये अश्विनी कुमार बंसल सोच ही नहीं पाया। तो इसका कहना है कि महावास्तु कहता है कि ईएससी में आप टॉयलेट बना सकते हैं और साथ में एससी में किचन बना सकते हैं। अब दोस्तों इस बंदे की बात कर लेते हैं, अश्विनी कुमार बंसल की, ये कहता है कि एसएसडब्ल्यू में टॉयलेट बना सकते हैं। अब किसी का साउथ में एंट्रेंस एंट्रेंस हो तो क्या एंटर के साथ टॉयलेट एसएसडब्ल्यू में रखेंगे? अब किसी का वेस्ट वेस्ट में एंट्रेंस हो तो क्या उसके साउथ वेस्ट में टॉयलेट रखेंगे, उसके एक कोने में टॉयलेट रखेंगे? तो दोस्तों जैसे हमारा गेट होगा तो हम ईएससी में लेके जा सकते हैं। और किसी पंडित ने कहा है कि अगर ईएससी में टॉयलेट रख दी तो हमने एससी में किचन बनानी ही बनानी है। जैसे तीन जोन है टॉयलेट बनाने के, तो किचन बनाने के भी तो जोन है ना। एससी में बना सकते हैं हम, एसएससी में बना सकते हैं, साउथ में बना सकते हैं, वेस्ट में बना सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में बना सकते हैं। वो देखेंगे ना कि सामने वाला चाहता क्या है, ये इसका प्लॉट किस दिशा में है, और हम इसके अनुरूप कौन सी दिशा डिसाइड करेंगे। वो तो डिटेलिंग का पार्ट है ना, तो इन लोगों को डिटेलिंग आती नहीं, तो ना ही डिटेलिंग करना चाहते हैं, ना ही डिटेलिंग की एबीसी जानते हैं ये लोग। तो दोस्तों ना ही ये लोग डिटेलिंग की एबीसी जानते हैं, क्योंकि इनको पढ़ाया नहीं गया ना। जो इनके गुरु थे ना, जो इनको इनको गुरु मिले होंगे ना, तो वो कितने गुरु होंगे तो इनसे पता चल जाता है कि इनके गुरु भी कितने महान ही होंगे, जिनको जिन्होंने इनको ये वाली चीजें पढ़ाई, उल्टी सीधी चीजें पढ़ाई। क्योंकि जब तक बंदा अंदर से सच्चा नहीं होता ना, तो उसको सच्चाई दिखती नहीं। क्योंकि ये लोग फ्रॉडिये हैं, और ये लोग पैसा कमाना चाहते हैं, गलत सिद्ध करके अपने आप को लाइमलाइट में लेके आना चाहते हैं।
तो इनका बस इतना ही मोटिव है, ये देखना नहीं चाहते कि एक बंदा अगर एससी में ईएससी में टॉयलेट बना रहा है तो भाई वो एससी में किचन क्यों रखेगा, उसकी एंट्रेंस कहाँ है? अब नॉर्थ में किसी का गेट है तो एसएसडब्ल्यू में रख लेगा ना वो। तो दोस्तों इन लोगों को ये चीजें पता ही नहीं। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, अब इन दोनों की भी बात कर लेते हैं। अब इसका कहना है कि जिस दिशा में टॉयलेट होगी उसी दिशा का मेटल लगा दो आप, उसी दिशा की पट्टी लगा दो आप। तो दोस्तों जो बंदा जो टॉयलेट जाके जिस जोन के देवता को ड्रेन कर रही है, उस दिशा को ड्रेन कर रही है, तो क्या उसमें इतनी पावर है कि वो अपना इलाज खुद कर पाए? जो बंदा बीमार बिस्तरे पे पड़ा है, बुरी तरह से ड्रेन हो चुका है, तो क्या वो उठ के पानी भी पी लेगा? अपनी हेल्प तो बड़ी दूर की बात है, क्या उठ के चल के वो डॉक्टर के पास चला जाएगा कि मुझे ठीक कर दो? जब ड्रेन ही हो चुका है, वो ड्रेन हो रहा है, डेली ड्रेन हो रहा है। तो इसका मानना है कि जिस दिशा में टॉयलेट उसी दिशा की पट्टी चेप दो या उसी दिशा का मेटल चेप दो। तो ये गलत गलत पढ़ा रहा है लोगों को। दोस्तों इसका और भी कहना है कि अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ जाएगी तो उस घर में कैंसर आ जाएगा। तो दोस्तों क्या बकवास है, लाखों लोगों के घरों में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगी तो क्या सभी कैंसर से जूझ रहे हैं? मेरा एक वीडियो आने वाला है कैंसर के ऊपर, इस वीडियो के बाद मैं अगला नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूंगा कैंसर के ऊपर। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बड़े विस्तार से बताया कि कैंसर के कारण क्या क्या होते हैं। इसकी और भी चीजें गलत हैं, किसी और दिन बात करेंगे, अब इसकी बात कर लेते हैं। अब ये कह रहा है कि अगर आपका छठा आठवां और बारहवां घर बुरे वे में एक्टिव हो जाएंगे तो वो कैंसर दे देता है। दोस्तों बिल्कुल झूठ है ये। कितने लोगों की कुंडलियां देखी हैं, मेरी खुद की कुंडली में भी 6, 8, 12 में जो ग्रह है वो मुझे पता है। अगर कोई चाहेगा तो मैं दिखा भी दूंगा, अगर दूध का दूध पानी का पानी करना हो, ऐसा नहीं कोई बंदा मुझे फोन करे उससे दिखा दूंगा। जब मीटिंग बैठी होगी, लोग बैठे होंगे, जो मुझे पता चले कि इस तक आवाज जाएगी तो मैं अपनी कुंडली भी दिखा दूंगा। तो दूसरी बात ये कहता है कि अगर आप पुष्प दंत में W4 में विष लगा देते हो तो आपकी विष पूरी हो जाती है। इसने अपनी एक एग्जाम्पल दी थी मुझे, मेरे पार्टिसिपेंट ने एक वीडियो भेजा था उसमें ये कह रहा था कि मैंने मर्सिडीज की फोटो लगा दी, विष की मर्सिडीज मिल गई। तो दोस्तों ऐसे नहीं मिलती, ये सरासर झूठ है, बकवास है। आप देखिए ये कह ये कि साथ में इसने ये भी कहा कि आप उसके अनुरूप होने चाहिए, बल्कि आप उसके काबिल होने चाहिए। अब देखिए हम यहाँ, मैं कहना नहीं चाहता था फिर भी मैं बता देता हूँ। अब मिस्टर राहुल गांधी हैं, वो पीएम के दावेदार भी हैं और बैकग्राउंड भी उनकी पॉलिटिकल है, तो W4 में उनकी विच लगा देंगे कि वो प्रधानमंत्री बन जाएं, तो क्या वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे? क्या उसके लिए हमें कुछ एफर्ट नहीं करना होगा? सिर्फ विच लगाने से वो पूरी हो जाती है? मैंने कल आपको एक रेमेडी बताई राहु को शांत करने की, कि हाथी के पैर की मिट्टी, कल वाला वीडियो है मेरा, अगर नहीं देखा तो देख लेना, अगर देख चुके हैं तो। मैंने उसमें बात की, उसमें मैंने आपको मंत्रा कहा, आप उसको ध्याएंगे रोज 108 मंत्रा कर रहे हैं तो कोई कार्य तो कर रहे हैं ना उसको शांत करने का। राहु क्या है? हमारे बॉडी के अंदर का राहु, बाहर का राहु नहीं, अंदर का राहु। जब हम मंत्रा करेंगे तो हमारे बॉडी का जो अंदर का राहु जो बिगड़ा हुआ है, जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है, हमें नींद नहीं आने दे रहा, हमें उलझा के रखा हुआ है, तो मंत्रा जब हम ध्यान से करेंगे, शांत होकर करेंगे, तो हमारे बॉडी के पार्ट शांत नहीं होंगे? तो हम कोई कार्य तो कर रहे हैं ना। ये कह रहा है कि कार्य कोई ना करो, सिर्फ विष लगा दो तो उससे काम हो जाता है। इसकी और भी बातें गलत हैं, वो किसी और दिन बात करेंगे। आगे चलते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब आ जाइए गुरु खुशदीप बंसल जी के ऊपर। अब आपको यहां एक गहरी बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बात गुरु खुशदीप बंसल जी की है। गुरु खुशदीप बंसल जी वास्तु फील्ड के पितामह हैं, इन्होंने बहुत कुछ दिया दुनिया में, एक नया नजरिया दिया, नया आयाम दिया लोगों को वास्तु सीखने का, लोगों को वास्तु समझने का, कि पुराने समय में कैसे लोग वास्तु करते थे, राजा का वास्तु अलग होता था, प्रजा का अलग होता था। इन्होंने बहुत कुछ इनसाइट्स दी लोगों को। पर दोस्तों अब देखिए इनका ये एक वीडियो है, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं गुरुजी के खिलाफ नहीं हूं, पर कुछ जो गलत है उसके खिलाफ हूं मैं। अब देखिए इनका ये वीडियो है, इन्होंने रेमेडी कहा है कि टॉयलेट की अगर रेमेडी करते हैं तो तीन तरफ से प्लास्टिक की टेप लगा लेंगे। कहते हैं ये वाला वीडियो जो है आप जाके देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि तीन तरफ से जो प्लास्टिक की पट्टी होती है वो एक यूनिट बन जाती है, क्योंकि प्लास्टिक ही है ना, तो प्लास्टिक तीन तरफ से जा रहा है। जो पीछे दीवार है वो दूसरा यूनिट है, वो प्लास्टिक के यूनिट से मैच ही नहीं करता, दोनों अलग अलग यूनिट हो गए। इन्होंने कहा पीछे दीवार है, आगे तीन तरफ से आप ब्लॉक कर देंगे। तो दोस्तों जब तक किसी फोटो की फ्रेमिंग हम चारों तरफ से नहीं करते तो फोटो फ्रेम नहीं होती, वो ब्लॉक नहीं होती अंदर। इसी तरह जब टॉयलेट को चारों तरफ से हम ब्लॉक नहीं करेंगे तो वो ब्लॉक नहीं होती, वो ट्रीट नहीं होती। तो तीन तरफ से हो ही नहीं सकती, क्योंकि कई बार राहु सलाब के जरिए दीवार से निकल जाता है, उसको समय लगता है, आपको पहले दिन नहीं दिखता, पर वो अपना काम शुरू कर देता है।
वो स्लाब के जरिए निकल जाएगा, आपको फिर दिक्कतें आनी शुरू हो जाएगी। आपके मन में ये रहेगा कि हमने टॉयलेट को तीन तरफ से ब्लॉक तो कर रखा है, पर दिक्कतें क्यों आ रही हैं? पर क्योंकि ये प्रोसीजर गलत है, क्योंकि टेप से जो टेप है वो अपने आप में फिर राहु है, पर वो एक यूनिट है। टेप को तीन तरफ से लगा दिया, चारों तरफ से आपने लगाया नहीं। किसी चीज को हम घेराबंदी करते हैं, एक सेनापति भी जब किसी विरोधी की सेना को घेरता है तो चारों तरफ से वो ब्लॉक करता है उसको। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में गया था तो वो चक्रव्यूह चारों तरफ से बना हुआ था, एक तरफ से रास्ता खोल के उसको अंदर कर लिया, फिर चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया, तो वो ब्लॉक हो गया, बाहर निकल ही नहीं पाया। तो जब तक चारों तरफ से ब्लॉक नहीं करेंगे तो वो टॉयलेट ब्लॉक नहीं होती। अब इनकी दूसरी गलती बताता हूं मैं, जो सारी दुनिया कर रही है, जो भी इनके चेले चमटे हैं वो भी कर रहे हैं, पूरा महावास्तु भी कर रहा है, जो कहीं और से सीखा है, जो वैदिक सीखा है, जो अश्विनी कुमार बंसल है, जो दूसरे लोग हैं। तो दोस्तों, इन दोनों ने भी खुशदीप बंसल से सीखा है, ये भी गलती कर रहे हैं, और खुशदीप बंसल जी खुद गलती कर रहे हैं, वो पढ़ा भी गलत रहे हैं इस टॉपिक पे, जो अभी मैं बात करूंगा आपसे। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा वास्तु चक्र है, ये हमारी सभी दिशाएं हैं, ये देवता हैं। अब देखिए दोस्तों, मैंने इन चक्रा को यहां रख दिया। अब आप ना बात समझने की कोशिश करना। अब देखिए, यहां पे मैंने चक्रा जब फिट किया तो देवता N4, N5, N6, N7 ये अलग हो गए ना, क्योंकि मैंने ये 32 जोन बना दिए, 32 दिशाएं बना दी। तो जब इस चक्रा को यहां पे रखा तो ये देवता भी इसमें फिट हो गए। देखो, देवता आ गए ना, सभी देवता दिख रहे होंगे आपको। अब यहां पे एक चीज ध्यान से समझना, जब हम दिशाएं बनाते हैं, जब नॉर्थ साउथ ईस्ट करते हैं, तो जब हम ये गुलाई में लेते हैं, ये सिर्फ दिशाओं तक सीमित है। मैं क्या कह रहा हूं इसको ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ दिशा निकालने के लिए तो ठीक है, पर देवता निकालने के लिए ठीक नहीं है। यहां गलत हो गया, जो मैंने कहा था ना, गॉड फेयरिंग गॉड लविंग और मूर्ख और मूर्खता, दोनों में डिफरेंस समझाया ना आपको। तो यहाँ पे जो दिशाएं निकालनी है वो राउंड में ही निकलेंगी, इसको दुनिया का कोई भी बंदा बदल नहीं सकता, चाहे वो भरद्वाज हो, जो चाहे वो डॉक्टर कुणाल हो, चाहे कोई भी एंटी हो इसके वास्तु चक्रा के, वो दिशाओं को नकार नहीं सकता। दिशाएं तो ऐसे ही निकलेंगी और राउंड में ही निकलेंगी। ये गुलाई में दिशाएं निकालने के लिए है, हमने क्या किया, इस वास्तु में देवता भी निकाल दिए, यहां गलती कर गए। अब देखिए क्या गलती हुई, जो हमारा प्लॉट होता है दोस्तों वो स्केयर या आयताकार में होता है। अब मैं इसको यहां से निकाल के यहां फिट कर देता हूं। अब दोस्तों ध्यान से देखना, आप इसको बड़ा भी कर देते हैं, थोड़ा सा ना बड़ा है ना वो। अब देखो, मैंने इसको सेंटर में अलाइन कर दिया। अब यहां जो मैं राज की बात बताने जा रहा हूं, मैंने कहा ना, जब दिग्गज लड़ते हैं तो उसमें से कुछ ऐसा निकल के आता है जो आम जनता का बेनिफिट कर देता है। तो आम जनता का बेनिफिट आज ये हो रहा है कि हमारा जो प्लॉट है वो आयातकार या स्केयर में रहता है, और जो देवता रहते हैं वो स्केयर में या आयातकार में ही रहेंगे, जब हम उस पर दिशाएं मार्क कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा N5 था, सोम, उसमें तो फिट हो रहा है N5। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए N5 इसमें ही आ रहा है। अब यहाँ देखिए, जब हमारे प्लॉट होता है तो इसमें भुजग में दो दिशाएं आ रही हैं, सोम में भी दो दिशाएं आ रही हैं, भलाट में भी दो दिशाएं आ रही हैं, तो दोस्तों देवता कैसे फिट हो सकता है यहाँ पे? तो यहाँ पे खुशदीप बंसल जी गलत हो गए, क्योंकि उन्होंने पढ़ाया ही ऐसा कि लोग इसको ही सच मानने लग गए, और जो उनसे पढ़े वो भी सच मानने लग गए, और जो नहीं पढ़े तो उनको तो पता ही नहीं कि ये देवता कैसे निकलते हैं। तो दोस्तों, उनको पता ही नहीं चल पाता कि दो दिशाओं में एक देवता रहता है, को एक देवता से दो दिशाएं बनती हैं। तो अब रेमेडी करेंगे तो यहाँ पे जो आप दीव्स लगाते हैं, जो डॉक्टर खुशदीप बंसल जी ने दीव्स बनाए, तो आप इसी एरिया में गाड़ देंगे उसको, जबकि ये निकाला ही नहीं जा सकता। तो सोचिए दोस्तों, जो आज तक जितने भी आचार्य और जितने भी एमी महावास्तु एक्सपर्ट हैं, तो वो गलती करते आए, क्योंकि पढ़ाया ही गलत गया। तो ये स्टार्टिंग से ही पता है मुझे दोस्तों, मैंने अपनी बुक में ये वाला जो स्केयर वाला है ये दे रखा है। दोस्तों मैं ये समझाता भी आ रहा हूँ कि आपने स्केयर में बनाना है, तो मैं अपनी क्लास में जब मैं प्रैक्टिकल करवाता हूँ तो उसमें ये बताता हूँ कि आपने ये स्केयर पे एक नक्शा और बनाना है, क्योंकि उनको मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने तीन चार नक्शे बनाने हैं, पर उसको ये समझ नहीं पाते, उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करते, डिटेलिंग नहीं करते। तो ये दोस्तों मैं आज नहीं बता रहा, ये मैं शुरू से मेरी क्लास में मैं बताता हूँ, मेरी बुक में, जो मेरी 17 की बुक बनी है, तो उसमें ये पिक्चर है, मैंने स्पष्ट बताया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए दिशाओं में देवता फिट हो सकता है, देवता प्लॉट में रहेगा, दिशा में देवता फिट नहीं होता। दोस्तों इतनी कमियां हैं अभी वास्तु में, मैं हमेशा कहता रहता हूं कि आप जो लोग सीख रहे हो ना वास्तु बाहर से, तो वो 1% हिस्सा भी नहीं है वास्तु का, क्योंकि आपको एक्चुअल में पता ही नहीं कि पिन पॉइंट कहते किसको हैं,
हमने अगर देवता फाइंड करना है, अब देखिए देवता फाइंड करना तो कैसे करेंगे, अब देखिए जो हमारे ये लेके फिरते हैं ना स्कैनर, तो दोस्तों इन्होंने स्कैनर वालों ने और भी बेड़ा गर्क कर रखा है वास्तु का, रोड बना रखी है, एक घर में 10-10 रोड लगा देते हैं कि आपका देवता इनहास कर देंगे, आपका जियोपैथी स्ट्रेस आ रहा है, आपके वो आ रहा है वो आ रहा है। कई लोग तो जिनकी फैक्ट्रियों में 10-10 रोड़े लगी हुई हैं वो कंगाल की स्थिति में है दोस्तों, जिनके घर में रखी हैं तो वो लोग पागल होने की स्थिति में है दोस्तों। दोस्तों जो सच्चाई है वो पता ही नहीं चल पाती। अब देखिए, अब सोम में अगर हमने दीव्स लगाना है जो बरी करते हैं, पहले तो वो बरी करना ये अपने आप में एक टास्क है, पहले तो वो जानना होगा कि जरूरत है भी या नहीं है। देवता को ऐसे ही ठीक किया जा सकता है क्योंकि ऑपरेशन लास्ट स्टेज होती है, पहले तो उसको मेडिसिन ठीक किया जा सकता है, अगर नहीं होता तो वो लास्ट स्टेज है बरी करने की या उसका ऑपरेशन करने की, तो लोग पहले ही ऑपरेशन कर देते हैं, बिना देखे बिना जाने दीव्स ठोकते रहते हैं, दबाते रहते हैं। तो देखिए कहाँ से फाइंड होगा, यहां से ये यहां इतना दिखा रहा है, वो क्या करेगा देवता इसके सेंटर में लगा देगा, पर आपको पता है कि सोम का स्थान कहाँ है, जो सेंटर वाली लाइन है वो। अब भुजा का स्थान देखिए, जो सेंटर वाली लाइन बनी दिशा की वो नहीं है, उससे आगे चला गया, सेंटर बदल गया ना। अदिति का सेंटर कहाँ गया, दिति का सेंटर कहाँ गया, तो ये सेंटर सेंटर उस देवता में नहीं आता कई बार। अब देखिए बलाट का सेंटर वहां आ ही नहीं रहा, असुर का सेंटर आ ही नहीं रहा। तो दोस्तों जब प्लाट बनाएंगे तो प्लाट में ये देवता अपने आप विराजमान हो जाते हैं, हमने सिर्फ दिशाएं निकालने के लिए ये गोल चक्रा के इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ दिशा निकालने के लिए। पर जो वो लोग हैं जो मैंने कहा कि जो फ्रॉडिये हैं, जो वास्तु चक्रा के पीछे पड़े हैं, वो इसको भी गलत बता रहे हैं, वो इतना सोच नहीं पाए मंदबुद्धि लोग कि ये सिर्फ दिशा निकालने के लिए है भाई, दिशा जानने के लिए, दिशा इससे बेटर जानी ही नहीं जा सकती। वो स्केयर में बता रहा है, वो कह रहा है कि जो भरतवाज है वो यहाँ पे एनी, अगर कोना आ गया तो एनी यहाँ बन जाएगा, यहाँ कोना आ गया नॉर्थ वेस्ट यहाँ बन जाएगा, साउथ कहाँ है तो यहाँ आ जाएगा। तो लोग देखिए कितना गलत कर रहे हैं, ये लोग कितना उल्टा पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों को जागना है, जानना है, दिमाग रब ने दिया है आपको, सोच सकते हैं, मैंने एक कोशिश की है। अगर आपको मेरी बातें ठीक ना लगे तो आप उन लोगों के साथ जा सकते हैं, उन लोगों के साथ रहिए, वैसा ही करते रहिए। अगर मेरी बातें ठीक लगती हैं तो इसके ऊपर अपना थॉट प्रोसेस चलाइए, आपको कई इंसाइट मिलेंगी, एक सही दिशा मिलेगी, एक सही रास्ता मिलेगा आगे बढ़ने का, और अपनी प्रॉब्लम से निकलने का भी आपको एक रास्ता मिलेगा। आज के लिए इतना ही, आप सभी का दिन शुभ हो, थैंक यू, सत श्री अकाल।